Students, today we will discuss about 6th chapter in history, weavers, iron smelters and factory owners, bunkar, loha banane wale aur factory malik. Figure 1 mein aap dekhiye ki yahan pe Surat jo shahar hai uska jikr kiya gaya hai ki 17th century mein ye ek famous important jo port tha wo hota tha, lekin 18th century ke aate aate iska decline ho chuka tha, ye iska patan ho chuka tha. Ab is chapter mein hum discuss karenge British rule के बारे में और जो इंडस्ट्रीज़ हैं कौन कौन सी, टेक्सटाइल और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इन्होंने क्या, ये दोनों जो इंडस्ट्री हैं इन दोनों इंडस्ट्रियों के बेस से ही जो इंग्लैंड है वो क्या कहलाया, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था वो कहाँ पर आया था, इंग्लैंड में. लेकिन हम साथ के साथ यहाँ पे फिर हम इंडिया को किस लिए डिस्कस कर रहे हैं ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो इंडियन टेक्सटाइल है उसकी वर्ल्ड लेवल पे इतनी सारी डिमांड थी कि पूरा वर्ल्ड तो एक तरफ था और इंडिया एक तरफ, यानी कि जो डिमांड थी इंडियन टेक्सटाइल की वो मतलब एक तरीके से जोरों पर थी. लोगों को ये रहता था कि अगर कपड़ा पहना जाए तो वो इंडियन ही पहना जाए, इतनी सारी डिमांड थी वहाँ पर. तो क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या रीज़न रहा कि इंग्लैंड में जो इंग्लैंड में जब इंडस्ट्री लगाई गई तो लगातार जो इंग्लैंड है वो डेवलप होता चला गया, एक दुनिया के सामने वो छा गया. तो यहाँ पर क्या है, हम आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर जो इंडियन जो ब्रिटिश ट्रेडर थे वो यहाँ पे व्यापार के लिए आए और यहाँ से वो सस्ते दामों पर कॉटन लेके जाते और उसी कॉटन को इंग्लैंड की जो इंडस्ट्री थी वहाँ पर महंगे दामों पर बेच देते. अब जो रॉ मटेरियल था उसे वो, जैसे कि कॉटन, उसे वो शर्ट बनाते और उसी शर्ट को महंगे दामों पर इंडिया में सेल कर देते. अब यहाँ पर क्या हो गया, आम और गुठलियों के दाम, यानी कि रॉ मटेरियल था वो भी हमारा और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट था वो किनका, वो ब्रिटिश ब्रिटेन का, और उसको ख़रीदते कौन, हम, यानी कि वो इतने सस्ते दामों पर रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाता और उसी रॉ मटेरियल से बनी चीज़ों को महंगे दामों पर इंडिया में बेच देता. अब यहाँ देखो आप, यहाँ पर क्या लिखा है कि यू हैव सीन हाउ ऑफ टेरिटरी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्ट इन ट्रेड लेड टू ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी एंड हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज्ड ओवर द डिकेड्स. यहाँ पे क्या है कि जो कंपनी आई थी इंडिया में व्यापारी बन कर के और धीरे धीरे उसने भारत की जो रियासतें थी उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया, और सिर्फ उन्होंने अधिकार ही नहीं जमाया हमारी टेरिटरी जो थी, हमारी जो रियासतें थी उनके ऊपर, बल्कि हमारे जो रिसोर्सेज थे उनको भी अपने कंट्रोल में ले लिया. यही जो एग्ज़ाम्पल हमने दिया कि वो यहाँ से कॉटन लेके जाते सस्ते दामों पर, किसान इतनी मेहनत से अपने खेतों में कॉटन उगाता और सस्ते दामों पर अंग्रेज जो व्यापारी थे उसे ख़रीद लेते और इंग्लैंड में उसी मटेरियल से वो प्रोडक्ट बनाते और इंडिया में महंगे दामों पर बेच देते. यानी कि जो मशीनीकरण इंग्लैंड में हुआ उसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो किसको हुआ, इंडिया को हुआ, क्योंकि वो मशीनों से बनाए कपड़े इंडिया में सेल करने लगे और भारत के जो वीवर्स थे उनका रोज़गार छीनता चला गया, वो बेरोज़गार होते चले गए, और इसका जो फ़ायदा हुआ, जो हम इंडिया में कॉटन उगाते थे उसका सारा जो बेनिफिट किसको मिला, इंग्लैंड को, जिसके बलबूते इंग्लैंड में इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो आया और वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बनकर इंग्लैंड दुनिया के सामने आया. आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट. यहाँ पे हमने इंग्लैंड में जो इंडस्ट्री थी उसके बारे में बताया कि वो किस तरीके से दुनिया के सामने आई, क्योंकि उसमें सारा जो वो लेके जा रहे थे रॉ मटेरियल वो इंडिया से लेकर के जा रहे थे, मेहनत इंडिया के किसानों की थी और वहाँ पे फल फूल रहा था इंग्लैंड. अगर वो चाहता, क्योंकि टेक्सटाइल इंडिया में थी तो इंडस्ट्री वो इंडिया में भी लगाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर वो इंडिया में अपनी इंडस्ट्री लगाता था
लगाता तो बच्चे क्या होता, यहाँ पे जो सड़कें बनती, क्योंकि इंडस्ट्री लगेंगी तो रोड भी बनेंगे, रेलवे ट्रैक भी बिछाए जाएंगे, उसके बाद उनको वर्कर भी रखने पड़ेंगे, तो रोड बनते तो वो इंडिया में बनते, रेलवे ट्रैक बिछाए जाते तो वो इंडिया में बिछाए जाते, अगर वर्कर रखे जाते तो, क्योंकि इतने सारे पर्सन तो वो अब इंग्लैंड से बुलाएंगे नहीं, तो काम करने के लिए वो किनको रखते, इंडियन जो वर्कर हैं उनको रखते, तो इससे क्या होता, डेवलपमेंट किसकी होनी थी, इंडिया की होनी थी, और वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन दुनिया के सामने आता, वो आता इंडिया। लेकिन इंग्लैंड को पता था अगर ऐसा करेंगे तो फिर मतलब इंग्लैंड का कुछ भी नहीं होना, इसलिए वो इंडिया से इतनी दूर सात समंदर पार वो यहाँ पे कपड़े ख़रीदने के लिए आता और जाकर के इंग्लैंड में अपने कंट्री को कंट्री का जो के डेवलपमेंट के लिए वो लगा देता, और हम यहाँ पर दूसरों के लिए मेहनत करते रहते। अब हम पढ़ेंगे इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट। यहाँ पे देखिए कि जो इंडियन टेक्सटाइल थी उसकी क्या पोजीशन थी वर्ल्ड में। अराउंड 1750 बिफोर द ब्रिटिश कंक्वर्ड बंगाल, इंडिया वो वाज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। 1750 से पहले जब अंग्रेज़ों का बंगाल के ऊपर कब्जा नहीं हुआ था, उस टाइम पे जो इंडियन टेक्सटाइल थी उसकी वर्ल्ड लेवल पे इतनी सारी डिमांड थी कि लोग चाहते थे कि इंडियन टेक्सटाइल है उसी का कपड़ा खरीदा जाए, उसको यूज़ किया जाए, और इसकी जो सबसे ज़्यादा डिमांड थी वो कहाँ पर थी, जावा, सुमात्रा, पेनांग, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड थी। आगे आप देखिए यहाँ पर पटोला वीव, जो पटोला बुनाई थी उसका जो सेंटर था वो कहाँ पर था, सूरत, अहमदाबाद, पाटन में। उसके बाद जो इंडोनेशिया है वो एक लोकल वीविंग ट्रेडिशन बन गया था इंडोनेशिया का। दोबारा से देख लो, जो पटोला बुनाई होती थी इंडिया में वो कहाँ पर होती थी, सूरत में, अहमदाबाद में और पाटन में। इंडोनेशिया जो था वो एक स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन चुका था।